गोड़ लगातनी समाचार चौगाई से बा। खबर बटू एम्बुलेंस कर्मी से संबंधित, अपन अनेक मांग के लेके 102 एम्बुलेंस कर्मी कर रहल बने काला बिला लगा के कार्य। 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकता है एम्बुलेंस कर्मी। 8 सूत्री मांग के लेके चल रहल बा प्रदर्शन। अपन विभिन्न मांग के लेके काला बिला लगा के एम्बुलेंस कर्मी काम करते रहे। 102 एम्बुलेंस के सचिव शैलेंद्र कुमार बतैले कि हम लोग सिविल सर्जन के एगो पत्र के माध्यम से बता दिले बानी जा, जेमे हमनी के मुख्य मांग निम्नलिखित बा। एगो पत्र के माध्यम से हमनी के 8 मांग कैले बानी जा, जेकर प्रतिलिपि सिविल सर्जन से लेके DM साहब साथे साथ हमार कंपनी PDPL और सम्मान फाउंडेशन के भी भेजल जा चुकल बा। जेमे हमार 8 सूत्र मांग में मुख्य रूप से 102 एम्बुलेंस कर्मी के वार्षिक वेतन में वृद्धि से संबंधित बा। दूसरा मांग साप्ताहिक छुट्टी और 12 घंटा ड्यूटी। तीसरा मांग न्यूनतम मजदूरी पावे के अधिकार। चौथा मांग ये लोग कहले कि एम्बुलेंस कर्मी कोरोना महामारी के दौरान लगातार दिन रात अपन कार्य के निर्वहन करत रहलन, परंतु बचाव के सुरक्षा के साधन के व्यवस्था हेतु ये लोग आंदोलन पर जा रहल बने, फिर भी इनकर बात नहीं सुनल जात। एक अलावे प्रोत्साहन राशि जरा के बिहार सरकार घोषणा कैले रहे कि स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहल कर्मी के 1 महीने के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिहल जाए, लेकिन यह लोग के ना मिलल। वजह शैलेंद्र कुमार कहले कि यह कोरोना काल में सबसे अधिक जी तोड़ मेहनत दिन रात एक करके कोरोना मरीज के ढोए के काम एम्बुलेंस कर्मी कैले। सबसे अधिक खतरा केहू के रहे तो एम्बुलेंस कर्मी के रहे, लेकिन इतना करने के बावजूद हमनी के वेतन मान में वृद्धि नहीं के कैल जात। आज हमनी के काला बिला लगा के प्रदर्शन करे के पड़ रहा है, ऐसे बड़ा दुखदायी का हो सकता है। बतावत चलिए 102 एम्बुलेंस कर्मी 9 सितंबर से ही काला बिला लगा के प्रदर्शन कर रहा बने। एकरा खातिर इनकर संगठन पूरा बिहार में अभियान चला रहा बा। इनकर संगठन बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ इंटक लागल बटुए। मानल जाता है कि 15 सितंबर से पूरा बिहार के एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल गई हैं। एम्बुलेंस सेवा पूरा तरह से बाधित हो जाए। इस संबंध में 102 एम्बुलेंस कर्मी के सचिव शैलेंद्र कुमार सिविल सर्जन के पहले ही पत्र के माध्यम से अवगत करा दिले बने। आई सुनल जाओ। बात कर जाओ 102 एम्बुलेंस कर्मी से, ये लोग 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाए वाला बने। ये लोग अभी काला बिल्ला अपना पैकेट पर लगा के काम कर रहा बड़न, जैसन कि रोरा सब देख सकत हैं। तो बात कर जाओ एम्बुलेंस कर्मी से, पहले आप अपना नाम तनी बता दी। ये हमारा शैलेंद्र नाम बा, हम चालक बने एम्बुलेंस के और संघ के सचिव भी बने। अच्छा, कौन संघ के सचिव बानी? संघ एम्बुलेंस संघ के सचिव बानी। अच्छा, का मांग बा रउरा सब के? हमी के मांग बा, अभी कोरोना काल में जो भी प्रोत्साहन राशि सरकार जो देवे के कहले भी जाए सरकारी कर्मी के, मैंने खाए तो खाए के प्रोत्साहन राशि वेतन के बराबर जो प्रोत्साहन राशि सरकार अनाउंस के लिए भी सरकारी कर्मी के देवे, जबकि हमनी के भी अगुआ हिस्सा बने जा, तो हमनी के कहे ना मिली सरकार से मांग बा। प्लस में जो भोजन खातिर भी अल्पहार के पैसा सरकारी कर्मी के दिया था, हमने के भी जरूरत बा और समान काम के समान वेतन बा। हमने के पर हर साल हमने के 10% वृद्धि होके वेतन में, कैसे कि सबसे कम वेतन पावे वाला हमने कर्मचारी बनी जा और सबसे बेहतर सेवा देवे वाला। और सरकार से हमने के यह उम्मीद करते जा कि हमने के जो जिए खातिर साधन बा उस साधन कम से कम मुहैया करावे, ताकि हमारे बाल बच्चा के भरण पोषण हो सके। तो तीन गो मांग बा, तीन गो विभिन्न मांग बा, बहुत सारा ऐसा मांग बा। टोटल कोई सूत्री मांग बा सब हमने के विशेष करके 7-8 गो सूत्री मांग बा। अच्छा, जो नाम है और श्रम पालन को उल्लंघन हो रहा बा श्रम अधिनियम के, प्लस में तो ई रोरा सब है सरकार अगर नहीं खे माने तो का करब जा, अगला कदम का हो? देखी हमने के 9 तारीख से काला बिल लगा के विरोध जतावे शुरू कैले बनी जा। अगर 14 तारीख तक सरकार हमने के एक काला बिला के जो कार्यक्रम चलता एकरा पे कोनो तरह के कदम नहीं उठावत, तो हमने के 15 तारीख से पूरे एम्बुलेंस के चक्का जाम कर दे जा, बंद हो जाए जी, पूरा हड़ताल में चल जा। हमने के सारा जवाबदेही हमने के जिला के जो स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन के अधिकारी बने, ये बिहार के मुखिया नीतीश बाबू बानी, या कंपनी जो चला रहा बड़े PDPL सम्मान फाउंडेशन के इरफान खान जी, वो लोग जिम्मेवार रहेंगे। ठीक।